सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार शेरा वाली दरबार के अमे अभिक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी
वन दुर्गा च मातंगे मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा दैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्याज बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हरणी महिषासुर मर्दिनी मधुकेण वहन्ती च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदा नवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रि तपस्विनि नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलोधरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यैदं रवठे नित्यं दुर्गा नाम शताशिकं नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ये लभेन्मोतिं दशाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्पया भक्त्या पठे नाम शताशिकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां याति राज्यक्षेमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधूत्रेण विलिख्यन्द्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावाचारिषामग्रे चन्द्रे सभिषाङ्गले विलिख्या प्रवणे स्तोत्रं स भवे सम्पदा परम् ॐ आए हुए धर्म प्रेमी भक्तजनों का माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की प्रातःकालीन आरती का पवित्र समय है। इस गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है तथा आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण निहित है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हमें माँ भगवती जगजननी के चरणों में बैठकर आरती के समय माँ भगवती की स्तुति करने का सत्संग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जीवन में इस प्रकार के अवसर बार बार हमें प्राप्त नहीं होते। हमारे पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही जीवन में हमें इस प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं। जब हम संसारिक बंधनों से दूर जाकर हम माँ भगवती के चरणों की ओर हमारा मन प्रेरित होता है और उस समय हमारे मन में इस प्रकार के सद्विचार आते हैं कि क्यों ना कोई हम सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, यज्ञ करें, तीर्थ यात्रा करें, भगवान के नाम का गुणगान करें। तो ये पूर्व जन्म में किए हुए हमारे पुण्य कर्म जब उदय होते हैं तभी हम
इस प्रकार के वातावरण में आप आते हैं। आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी मां भगवती की आरती का समय होता है, उस समय समस्त देवतागण सूक्ष्म रूप से मां भगवती की आरती में सम्मिलित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं। और आरती के समय हमें मां भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आरती के समय जिन स्तोत्रों के द्वारा मां भगवती की स्तुति की जाती है, वह स्तोत्र परम कल्याणकारी हैं। उनका प्रतिदिन पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, अनेक प्रकार की आदि व्याधियां दूर होती हैं। सभी शरणागत भक्तजनों से निवेदन है कि मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। अथ देव्या कवचम ओम अस्य श्री चंडे कवचस्य ब्रह्मा ऋषि हरणश्च छंदः चामुंडा देवता अंगना सोतमादरो बीजं देवंध देवता तत्त्वं श्री जगदम्बा पीठस्थे सप्तशति पाठांगत्वेन जपे वियोगः ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ओम यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाघातं तन्मे गृहे पितामहः धर्मोवाच हस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासो कवचं पुण्यं दक्षिणश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च तृतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं कन्दपातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाश्रमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभवृणसङ्कटे नावदं दस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये सुभक्त्या सुदानोऽलं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्तातु चामुण्डा वाराही महिषासुना हैन्द्रीगणसमारूढा वैष्णवी गरुडासुना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिववाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता हृत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगा समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नवशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मसलायुधं खेडकं दामरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्ते सोमहारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रत्यक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि राजां रक्षतो मामेन्द्रेयाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधो वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रदीचां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिणी होलीचां पादकौमारी एषाणां शूलधारिणी
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ता वैष्णवे तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदनी रक्षे उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे त्रिशक्रुणी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा जनासिके शङ्खणी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपालकालिका रक्षे कर्णमूले दुशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च चर्चिका अधरे च मृदुकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षकौमारे कण्ठदेशे दुचण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च भ्रष्टवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकोवरी स्कन्धयो खड्गणे रक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हृदयो दण्डणे रक्षे अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाञ्जूलेश्वरे रक्षे कुक्षौ रक्षे कुलेश्वरी स्तनौ रक्षे महादेवे मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामणि रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरे तथा भूदना कामिका मेढ्रं गुरे महिषवाहिणी कट्यां भगवती रक्षे जानुणे विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिणी उभयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तुलेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षे पादाधस्तलवासिनी नखान् द्रष्टा कराली च केशं चैवर्ध्वकेशिणी रोमकूपेषु गोपैरे तुलं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वती मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं जामुगणेश्वरी पद्मावदे पद्मकोशे कफे चूडामणि तथा ज्वालामुखे नखज्ज्वालामभेद्या सर्वसन्तुषो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मणबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापाणं तथा व्याणम् उदाणं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना अर्धरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च लोकणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुभथा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा रायद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ती पापनाशिनि फलमेकं न गच्छेदो जलेच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मधुरं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोके तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामविदुर्लभम् यः परेत्वयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवे तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवे वर्षतं साकं नव मृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्दिशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव यलयाचोपदेशिकाः सजा कुलजा बाला डाकणे शाकणे तथा अन्तरिक्ष च राघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हि सर्जुने
मानो न देव में राज्यो वृद्धि करम बरम यशसा वर्धते सोपे कीर्ति मंडित भूतले जमे सप्त शतेम जंडेम कृत्वा लोकवचम पुरा यावत् भूमंडलम धत्ते सशेण काननम तावत् तिष्ठति मे दिण्डां सन्दधे पुत्रवादृगे देहान्ते परमस्थानम् यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अथ अर्गला स्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषे अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशते पाठत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिणे दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते दैवे कालरात्रे नमोऽस्तु ते मधुकेणव विद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि महिषासुरनिर्दाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि रक्तबीजवधे देवे चण्डमुण्डा विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि वर्धिताङ्घे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायणे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि नदीभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चण्डिके सततं जयित्वा वर्तयन्ति हि भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विधेहि दुशतानाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि प्रचण्डदेतिगर्भणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त्रे संसदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि कृष्णेन संस्तुते देवे शश्वभक्त्या सुराम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी प्रचण्डदोदण्ड दैत्यदर्पविनाशिणि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि भवने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशते संख्या वरमाप्नोति सम्पदा। ओ
अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वते देवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थम् सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेहाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्वियानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेमम् आप्नोति सततम् जाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीणि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तवताम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येण सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाहुरः धृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदम् शुभम् स्तोत्रम् वै चण्डिकायासु तच्च गुप्तम् जगारसः समाप्तेण य पुण्यस्य ताम् यथा वर्णियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेमो आप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् विधायैनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः सा गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव विणतस्तस्य भयम् क्वापि ह जायते नापमित्युवशम् ज्ञाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेतर्णाकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यत्किञ्चिद्दृश्यते लरणाजने तत्सर्वम् दत्प्रसादेण तेन जाप्यमिदम् शुभम् क्षणे तु जप्यमाने स्तोत्रे सम्पद्विरुच्युकैः भवत्येव समग्रापि तुरः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेण सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुभाणिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जने श्रीमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् भगवति है श्रीकण्ठ कडोम्बिण भोरि कडोम्बिण भोरि गति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पुरवरवर्षिणि दुर्धर हर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षति त्रिभुवन भोजनि शङ्कर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते हरि कदम्ब कदम्ब प्रियवासिनि हासुरति शिखर शिरोमणि तुङ्गहिमालय शिङ्गणि जालय मध्यगति मधु मधुरे मधु केणव गञ्जनि केणव भञ्जनि हासुरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि महिषासुरमर्दिनि शैलसुते हरि शरणागत बेणि मधुमर
अब अंतिम पृष्ठ निकाल लीजिए। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणी हरण सोमयामिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं वेति चोचरेत् या गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं त्वां जगदम्बिके इदानीं मार्गं द्योऽहं यथेच्छसि तथा गुरु अज्ञानात् स्मृतिर्भ्रान्त्यां जन्योऽणमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहाणाचामिव प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी द्वयादिगृह गोत्रे त्वं गृहाणाचिमकृतं जपम् सिद्धे भवतु मे देवी हे मई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस प्रकार माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने मिलकर बड़े भक्ति भाव से माँ भगवती की स्तुति की पाठ किया। माँ भगवती जगजननी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हुए हमें आशीर्वाद दो। यदि किसी भी प्रकार की इस स्तोत्र पाठ में हमारे द्वारा कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए सभी भक्तजन श्रद्धापूर्वक एक साथ एक स्वर से ओंकार शब्द का नाद करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे सांचे दरबार की जय। तो इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती का पवित्र समय है। इस गुफा के अंदर माँ भगवती जगजननी तीन प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। माँ भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और शीश रूप में माँ भगवती के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं।
माँ भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके माँ भगवती के दर्शनों के लिए माँ के चरणों में उपस्थित होते हैं। माँ भगवती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उन्हें तीन प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति से संपन्न करती हैं और मां लक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन्हीं तीनों के द्वारा हमारा जीवन जो है वह भली भांति चलता है और इसमें से कोई एक भी कम रह जाए तो हमारा जीवन जो है वह बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि बिना शक्ति के हम एक पग भी चल नहीं सकते और बिना ज्ञान के हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो पाती। कौन सा कर्म हमें संसार में आकर करना चाहिए, कौन सा कर्म करने से हमारा कल्याण होगा और कौन सा कर्म करने से हमारी दुर्गति होगी, इस प्रकार का आभास हमें ज्ञान के द्वारा होता है और मां सरस्वती हमें ज्ञान देती हैं। महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। जीवन में हमें धन की भी बहुत आवश्यकता है, बिना धन के भी जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए मां भगवती हमें शक्ति दे, ज्ञान दे और धन धान्य से परिपूर्ण रखे। यही हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं। आज का पंचांग है शुभ संवत्सर 2076 के वैशाख मास की 28 प्रविष्टे है। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है, गंड योग है, गर कर्ण। तदनुसार 11 मई 2019 शनिवार के दिन प्रातः काल मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से हमें मां के चरणों में बैठकर सत्संग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। मां की ही कृपा होती है तो हम संसार में सुरक्षित महसूस करते हैं। मां की गोदी में बैठकर हम निर्भय हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का भय हमें नहीं होता। मां की गोदी ही एक ऐसी है जो हमें सब प्रकार से सुरक्षित करती है। मां की हम आरती करते हैं। आरती का क्या महत्व है? आरती क्यों करनी चाहिए? तो मां की जब हम आरती करते हैं, आरती के लिए कहा गया है शास्त्रों में, आत्मना सकाशाद आकाशा, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि रापा, अधिव्या पृथ्वी। आत्मना सकाशाद आकाशा, उस सर्वप्रथम इस संसार में आकाश की उत्पत्ति हुई। आरती के समय हम पांच तत्वों के द्वारा अपने आराध्य देव उस मां भगवती जगजननी की पूजा करते हैं। जिन पांच तत्वों के द्वारा ये सारी सृष्टि निर्मित हुई है और हमारा शरीर भी
उन्हीं पांच तत्वों के ऊपर स्थित है। तो सबसे पहले सृष्टि का सृजन जब हुआ तो उस परम पिता परमात्मा के द्वारा सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई। और आकाश क्या है? शून्य है, खाली स्थान, जहां कोई भी वस्तु नहीं है वह आकाश है। क्योंकि संसार में अगर खाली जगह ना हो तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा पाते। और हमारे शरीर के अंदर भी वे आकाश तत्व जो हमारे शरीर के अंदर खाली स्थान है वे आकाश का ही तत्व है, अंश है। और उसके बिना हम बात नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जगह होगी तो तभी कोई वस्तु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। तो इसलिए वह आकाश तत्व की हम पूजा करते हैं। तो आरती के समय हम शंख ध्वनि करते हैं। शंख जो है उसकी ध्वनि जो है उस शब्द का, आकाश का गुण जो है वह शब्द है। शब्द जो है वह सदैव नित्य रहता है, आकाश में स्थित रहता है। वह हमें दिखाई नहीं देता, केवल सुनाई देता है। तो शब्द के द्वारा हम उस आकाश तत्व की पूजा करते हैं। उस शंख ध्वनि के द्वारा हम आकाश तत्व की पूजा करते हैं और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि जे आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर सदैव विद्यमान रहे। तो आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश जो है वह अदृश्य है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उसके आगे हमें नीला नीला दिखाई देता है तो हम उसी को आकाश मान लेते हैं। परंतु आकाश जो है वह हमारी दृष्टि से परे है, वह शून्य है। और आकाश से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। वायु जो है ये हमारे प्राण हैं और बिना वायु के हम संसार में एक पल भी टिक नहीं पाते और हमारे प्राण जो है वह संकट में आ जाते हैं। उस वायु के द्वारा हम मां भगवती की आराधना करते हैं। जब हम मां भगवती को चमर ढुलाते हैं तो वायु तत्व के द्वारा हम अपने आराध्य इष्ट देव की पूजा करते हैं कि ये वायु जो है सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबको समान रूप से प्राप्त होती रहे, इसमें कभी भी न्यूनता या अधिकता ना आए। क्योंकि वायु अगर कम होगी तब भी हमारे प्राण संकट में होंगे और अगर अधिक हो जाएगी तो भी हमारा जीवन जो है वह कठिन हो जाता है। वायु अग्नि, वायु के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो जब हम ज्योति जलाकर भगवान की आराधना करते हैं, आरती उतारते हैं, तो उस समय हम उस अग्नि तत्व के द्वारा मां भगवती की पूजा करते हैं और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, ये अग्नि तत्व जो है ये सदैव इस सृष्टि पर विद्यमान रहे और हमारे अनुकूल रहे, हमारे प्रतिकूल ना हो। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है, जो ताप है, गर्माहट है, वह उस अग्नि तत्व का अंश है। और उसके बिना हमारा शरीर जो है वह कार्य नहीं कर सकता। तो वह अग्नि तत्व हमारे को जितना चाहिए उतना हमें प्राप्त होता रहे, ना उससे अधिक हो ना कम हो।
क्योंकि अधिक और कम होगा तो हमारे प्राण संकट में आएंगे। इसलिए उस अग्नि तत्व के द्वारा हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं। अग्नि रापा, अग्नि के बाद अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, ये सृष्टि का क्रम है। तो अग्नि के द्वारा जल की उत्पत्ति हुई। जल जो है वह इस संसार में एक ऐसा तत्व है जो हमें जीवन देता है, और जल के द्वारा जब हम मां भगवती को स्नान करवाते हैं और शंखी के द्वारा हम जल से अभिषेक करते हैं, तो उस समय हम जल तत्व के द्वारा मां भगवती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि ये जल तत्व जो है ये सबको समान रूप से प्राप्त होता रहे, ये भी कभी कम या अधिक ना हो, क्योंकि इन तत्वों के अधिक और कम होने से हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं। इसलिए हे मां, ये जल तत्व इस पृथ्वी पर सदैव बना रहे। और मां भगवती इस प्रकार हमें आशीर्वाद देती रहे। तो जल के बाद अद्भ्या पृथ्वी, तो आरती के समय जब हम पृथ्वी पर नमस्कार करते हैं तो उस समय हम उस पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं और मां भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि ये पृथ्वी जो हमारी मां के समान है, जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, हमारे नीचे ये पृथ्वी एक आधार रूप है, ये हमारा आधार जो है वह सदैव बना रहे। और पृथ्वी में जो गुण है वह है क्षमा का, और गंध सुगंधी है। पृथ्वी पर हम कई प्रकार के कार्य करते हैं, हल चलाते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, और उस अनाज के द्वारा हमारा जीवन जो है वह आगे बढ़ता है और हमारे जीवन की रक्षा होती है। तो इस प्रकार इन पांच तत्वों के द्वारा हम मां भगवती की आराधना करते हुए मां से प्रार्थना करते हैं कि जे इस सृष्टि में सबको समान रूप से प्राप्त होता रहे। तो जिस प्रकार ये पांच तत्वों की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इसी प्रकार ये एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। जब महाप्रलय होती है तो पृथ्वी जो है जल में आ जाती है, और जल जो है अग्नि के द्वारा, सूर्य के ताप के द्वारा सारा सोख लिया जाता है, और अग्नि जो है वायु में प्रविष्ट हो जाती है, और वायु जो है वह आकाश में प्रविष्ट होकर लीन हो जाती है, और आकाश उस परमपिता परमात्मा के अंश में मिल जाता है, तो उस समय महाप्रलय हो जाती है। तो इसका एक उदाहरण हम और ले सकते हैं कि जीव की सृष्टि जो है वह कैसे संभव है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है विज्ञान पर आधारित है। हम ना जाने, हमने नहीं पढ़ा, ये बात अलग है, परंतु जो भी हमारी क्रियाएं हैं, हमारे शास्त्र जो भी बताते हैं उसमें वैज्ञानिकता है। और एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि इस सृष्टि का जो सृजन है वह कैसे हुआ। जब हमें दौड़ने की आवश्यकता होती है,
उस समय हमें आकाश तत्व की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम अगर दौड़ लगाते हैं तो उस समय हमें आकाश तत्व की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। और जब हम दौड़ने लगते हैं, दौड़ते दौड़ते, तो हमें सबसे पहले किस चीज का स्पर्श होता है? हमें वायु का स्पर्श होता है। हम जब दौड़ते हैं तो वायु हमें हमारे से टकराती है, और उसके बाद और जब आगे दौड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा शरीर जो है वह गर्म होने लगता है, अग्नि उत्पन्न होती है हमारे शरीर से। और इसी प्रकार जब और अधिक हम परिश्रम करके दौड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा शरीर जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद जल की उत्पत्ति होती है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तो वह अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। और जल के बाद जब हम और अधिक दौड़ते हैं और उसके बाद वो जल के द्वारा हमारे शरीर में मैल उत्पन्न होती है, गंध पृथ्वी का तत्व है, और वह मैल जो है वह पृथ्वी का अंश है। और अगर हम अपना शरीर इसी प्रकार रखें, उसको साफ ना करें, तो उसके बाद क्या होने लगता है, हमारे शरीर में जीव की उत्पत्ति होती है, जुएं आ जाती हैं। तो जे सृष्टि का जो क्रम है, इसी प्रकार सृष्टि का निर्माण होता है। पांच तत्वों के द्वारा ही इस प्रकार सृष्टि का आरंभ हुआ, और आरती के समय हम उन पांच तत्वों की पूजा करके उसके द्वारा अपनी माँ भगवती की आराधना करके माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि ये पांच तत्व सदैव हमारे जीवन में बने रहें, ताकि हमारा जीवन जो है वह भली भांति आगे बढ़ सके, हम अच्छे अच्छे कार्य करते हुए अपना कल्याण कर सकें। तो ये आरती की वैज्ञानिकता थी। हमारे शास्त्रों में जितने भी जो भी लिखा गया है वह वैज्ञानिक आधार पर लिखा गया है, हम उन्हें नहीं जानते ये बात अलग है, पर जो भी है उसको हम नकार नहीं सकते। तो इस समय मां भगवती की आरती का समय है, तो सभी भक्त मां भगवती के चरणों में बैठे हैं, मां भगवती की भजनों के द्वारा मां भगवती की आराधना करेंगे। तो अब मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री विजय कुमार जी से कि वे एक मां भजन मां के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री विजय कुमार जयकारा शेरोवाली जी का, अपने आंचल की छैया में हे मां, हे अपने आंचल की छैया में रोज तू मुझे सुलाया कर, अपने आंचल की छैया में रोज तू मुझे सुलाया कर, मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर, मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर, ओ मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर, मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर, जय माता की बोल के मुझको रोज सुबह जगाया कर, जय माता
का जगाया कर। ओ माँ लोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर। माँ लोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जगा
छैया में जब तू मुझे सुलाया कर अपने आंचल की छैया में जब तू मुझे सुलाया कर ओ मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर जय माता की बोल के मुझको सुबह तू रोज जगाया कर जय माता की बोल के मुझको रोज सुबह जगाया कर ओ मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर जय जय माँ जय जय माँ अपने हाथों में ले जाया कर साथ मुझे माँ माता के जगरातों में ले जाया कर साथ मुझे माता के जगरातों में ले जाया कर साथ मुझे माता के जगरातों में हंस बाहिनी सरस्वती माँ लक्ष्मी और महाकाली बास करे उस जगह जहाँ जगती है जोत निराली करे उस जगह जहाँ जगती है जोत निराली पास करे उस जगह जहाँ जगती है जोत निराली हंस बाहनी सरस्वती माँ लक्ष्मी और महाकाली पास करे उस जगह जहाँ जगती है जोत निराली पास करे उस जगह जहाँ जगती है जोत निराली पास करे उस जगह जहाँ जहाँ जगे जे जोत बहा हे माँ जहाँ जगे जे जोत बहा माथा मुझे टिकवाया कर जहाँ जगे जे जोत बहा माथा मुझे टिकवाया कर ओ मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया ओ मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर जय जय माँ 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 माँ अपने आंचल की छैया में जब तुझे सुलाया कर अपने आंचल की छैया में जब तुझे सुलाया कर अपने आंचल की छैया में जब तू मुझे सुलाया कर अपने आंचल की छैया में जब तू मुझे सुलाया कर ओ मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया कर मालोरी की जगह वैष्णो माँ की भेंट सुनाया की बोल के मुझको सुबह तू रोज जगाया कर
के मुझको रोज सुबह जगाया है। अब एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जयकारा मेरी शिरोमणि मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे, अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे। मैं हूँ इसीलिए दिल लगी, मैं हूँ इसीलिए दिल लगी मैया जी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा मैया जी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरी मैया जी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा मैया जी कैसे तारोगे। ना पूजा पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हुआ अपराधी, जन्म जन्म का हुआ अपराधी। मैं हूँ त्रुटियों की तस्वीर मैया जी कैसे तारोगे, मैं हूँ त्रुटियों की तस्वीर मैया जी कैसे तारोगे, हाँ मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा ध्यानु जैसी प्रीत नकीनी, ध्यानु जैसी प्रीत नकीनी, ध्यानु जैसी प्रीत नकीनी, ध्यानु जैसी प्रीत नकीनी, चरणन भेंट शीश नदी नदी, मेरे नैना भरो अपनी मैया जी कैसे तारोगे, मेरे नैना भरो अपनी मैया
हो मेरा अब गुण भरा शरीर, मैया जी कैसे तारोगे मेरा अब गुण भरा शरीर, मैया जी कैसे तारोगे। श्रीधर जैसी भक्ति नहीं है, 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 तुझसे मिलन की शक्ति नहीं है, तुझसे मिलन की शक्ति नहीं है। ओ मेरी क्षमा करो शक्ति, मैया जी कैसे करोगे मेरी क्षमा करो शक्ति, मैया जी कैसे करोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर, मैया जी कैसे करोगे मेरा अब गुण भरा। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, 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 दुनियादारी में जकड़ा हूँ, मेरे पाँव पड़ी मैया जी कैसे करोगे, मेरे पाँव पड़ी मैया जी कैसे करोगे। हो मेरा अब गुण भरा शरीर, मैया जी कैसे करोगे मेरा अब गुण भरा शरीर, कैसे तारोगे। बार बार आने जाने में, 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 जन्मों के ताने बाने गई तक दी, मैया जी कैसे तारोगे मेरी उलझ गई तक दी, मैया जी कैसे तारोगे। हो मेरा अब गुण भरा शरीर, मैया जी कैसे तारोगे मेरा अब गुण भरा शरीर, मैया जी कैसे। मैं हूँ इसीलिए दिल लगी, मैं हूँ इसीलिए दिल लगी, मैया जी कैसे करोगे, मैं हूँ इसीलिए दिल लगी, मैया जी कैसे करोगे। हो मेरा अब गुण भरा शरीर, मैया जी कैसे तारोगे, मैया जी कैसे तारोगे, मैया जी कैसे तारोगे। जय करा मेरी शरण वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अब एक वजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जशपाल। जय करा शेर वाली भोल सच्चे दरबार की जय। पूजा करे पूजा करे सनदा मातर, पूजा करे पूजा करे पूजा करे सनदा मातर, पूजा करे पूजा करे पूजा करे सनदा मातर, पूजा करे
करे पूजा करे संसार मादर पूजा 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 करे पूजा करे करे संसार मादर पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार मादर पूजा करे तनु पूजन गणपत आए तनु पूजन गणपत आए रिद्धि सिद्धि नाल आए रिद्धि सिद्धि नाल आए तनु पूजन गणपत आए तनु भोजन गणपति आए रिद्धि सिद्धि नाल रिद्धि सिद्धि नाल आए बोलन जय जयकार मादर पूजा करे 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 पूजा करे पूजा करे सदा मादर पूजा करे पूजा करे पूजा करे दंगा मादर पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार मादर पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार पूजा करे तनु पूजन ब्रह्मा जी आए तनु पूजन ब्रह्मा जी आए सरस्वती नो नाल आए सरस्वती नो नाल आए तनु पूजन ब्रह्मा जी आए तनु पूजन ब्रह्मा जी आए सरस्वती नो नाल आए सरस्वती नो नाल आए होके हंस सवार मादर पूजा करे 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 पूजा करे संसार मादर पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार मादर पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार मादर पूजा करे तनु पूजन विष्णु जी आए तनु पूजन विष्णु जी आए लक्ष्मी जी नु नाल आए लक्ष्मी जी नु नाल आए तनु पूजन विष्णु जी आए तनु पूजन विष्णु जी आए लक्ष्मी जी नु नाल आए लक्ष्मी जी नु नाल आए होके गर्भ सवार मादर पूजा करे 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 पूजा करे पूजा करे सदा पूजा करे पूजा करे संसार मादर पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार मादर पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार मादर पूजा करे तनु पूजन शिव जी आए तनु पूजन शिव जी आए पार्वती नु नाल आए पार्वती नु नाल आए तनु पूजन शिव जी आए पार्वती नु नाल आए होके बैल सवार मादर पूजा करे 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 पूजा करे पूजा करे संसार तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार मादर पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार मादर पूजा करे तनु पूजन राम
तेरा दरबार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे जनता माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे जनता माँ तेरी पूजा करे तैनु पूजन थानु जिया तैनु पूजन थानु जियाए सारी संगत नू नाले आए सारी संगत नू नाले आए गल फुला दे हार पूजा करे पूजा करे धन हो माधुर पूजा करे पूजा करे संसार माधुर पूजा करे तैनो भोजन कंज का भी आइया तैनो भोजन कंज का भी आइया चुनिया छतर भेंट ले आइया फूला छतर भेंट ले आइया दुर्गा सिंह परिहार माधुर बलिहार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे गंगा माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे झंकार माँ तेरी पूजा करे तैनु पूजन भक्त भी आए तैनु पूजन भक्त भी आए भजा नारियल भेंट ले आए भजा नारियल भेंट ले आए दुर्गा सिंह बलिहार माँ तेरी दुर्गा सिंह बलिहार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे माँ पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे ढोल सच्चे दरबार की जय ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जंबो फलचारुर्भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सिंहस्था शशिशेखरामरक प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजै शङ्खं चक्रधनुशराश्च दधति नेत्रैस्त्रिभिशोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरण काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारणी भवतु नो रत्नोलसत् कुण्डला सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते हे माई मेरी सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय। धर्म प्रेमी भक्तजनों इस प्रकार माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने बड़े भक्ति भाव से माँ भगवती की स्तुति की पाठ किया सत्संग किया। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे द्वारा जो भी जे आपकी स्तुति की गई है उसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हुए हमें
अपने आशीर्वाद से कृतकृत्य करो। माँ की ओर से आप सब भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव, संततिवान भव, श्रीमान जशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरी भूति करुणे दानैक निष्ठो भव, तेजस्वी भव, बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर भव पाद पूजन रता सर्वोपकारी भव, मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तव। मां भगवती आप सब भक्तों की दीर्घायु करें, आप सदैव संतान से युक्त रहें, लक्ष्मीवान हों, जशस्वी हों, विद्वान हों, अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे, आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो, व्यापार तथा कारोबार में आप दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हों, और माँ भगवती सदैव आप भक्तों पर इसी प्रकार कृपा करती रहे, आपको बार बार अपने चरणों में बुलाकर आपका कल्याण करती रहे, आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो। बोल सांचे दरबार की। तो इस समय माँ भगवती की आरती की वेला है, सभी भक्त बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती की आरती गाएंगे, सब मिलकर के बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मधु कै तब दो
परम पूज्य पुजारी जी मां भगवती की पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती की वंदना करेंगे, तब तक मां भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, घेरा वाले जय माता दी, बाड़ा वाले जय माता दी, गुफा वाले जय माता दी, दुनिया वाले जय माता दी, टोलिया वाले जय माता दी, जोता वाले जय माता दी, बाबा काली जय माता दी, छप्पर वाले जय माता दी, शक्ति देंदे जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गरुड़ सवारे जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, सोलायाने जय माता दी, सरस्वती माँ जय माता दी, हंस सवारे जय माता दी, विद्या देंदे जय माता दी, ज्ञान देंदे जय माता दी, भक्ति देंदे जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, करण द्वारे जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, सोलायाने जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हरे बोलो
सभी भक्तजन हाथ जोड़कर मां भगवती से प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के बोलेंगे, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, जशो देहि दिशो यहि, जशो देहि दिशो यहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। सभी भक्त शांतिपूर्वक बैठकर मां भगवती की आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता की। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आज गले, तृतीय शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मई आठ पैर चौसठ घड़ी हो चलना दादान जय मां।
भर्गं चक्र गदेशुदापवरदाशुलम्बशुण्डिं चिरासङ्गम् सन्दररिं कलेतनयनां गर्भाङ्गभूषाभिधां नीला सुमध्यमासपाददशकां देवे महाकालिकां जामस्तु सविदेहरौ कमलजो हन्तुं मधुकेतवम् अच्छा सर्पलिशं गलेशुकुलिशं पद्मन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमचिन्मतरमजलजं घण्टासुधावाजनम् शूलं पाददर्शने चलते भक्ते प्रसन्नायणां सेवे देवमर्दनी लक्ष्मी स्वरोजस्थितां गन्ता शूलहलानि शङ्कमुसरे चक्रं धनुसायितम् अच्छादिं कलान्तविलदा शीताकृतयापवां गौरे देवसमुद्भवां जगतां आधारभूता महा त्वमेव माता त्वदा त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव विद्या जगदम् त्वमेव त्वमेव सर्वं महदेव देव शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिरुद्यानभंगं वन्दे विष्णो भवदं सर्वलोकैकनाथं पतितं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं श्रीवरं माधवं कृष्णकावल्लभं जनकीनायकं शिवां चन्दं भजे हरे मुरारे मुरारे गोविन्द गोपाल मकंति चोरे जानपदे शरणपदे विद्यापदे भगवन् नमस्ते सत्या ज्योता वाली माता तेरी सलाई चकुला रानी माता तेरी सलाई शरदा बला कन्न वाली माता तेरी सलाई सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सलाई बुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सलाई निवास करने वाली माता तेरी सलाई कड़ा बीटाग तेरी सलाई सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारतवर्ष 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 हर हर महादेव गुरु बाबा श्री सनातन धर्म की जय माता की जय सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जगरा शरवली ओम ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे भी कुछ मानी
जो मातृ रूपेण संस्कृता